अभी हम आधा घंटा से एक घंटे के आधा घंटा से पौने घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे हम चेरापूंजी में, लेकिन हम अभी गाड़ी पे ही हैं। यहाँ पर जस्ट 2 मिनट के लिए हॉल्ट किया था, और अभी ये जो एरिया है सिर्फ ये एरिया को देखने के लिए थोड़ा सा ये वीडियो बना रहा हूँ, ये ब्लॉग में शामिल हो जाएगा ये, लेकिन बड़ा अट्रैक्टिव सीन है देखने लायक। मौसम इतना बढ़िया मौसम है कि दिल खुश, तबीयत खुश हो जाएगा, शरीर के लिए बहुत अच्छा है। इतना अच्छा मौसम है, किस्मत वालों को मिलता है ऐसा, यहाँ ना ठंडा ना गर्मी, इतना अच्छा मौसम है। आगे आगे पूरा फॉगी फॉगी नज़र आ रहा है, इतना साफ है, हल्का बारिश है। ये रोड जितना खराब बोला था उतना खराब तो है नहीं, मेन हाईवे से तो थोड़ा खराब है, लेकिन अच्छा है, इतना खराब तो है नहीं रोड। हाँ थोड़ा बहुत मेरे को लगता है, ज़्यादा नहीं, 10-5 किलोमीटर रोड थोड़ा खराब होगा, लेकिन रोड काफ़ी चलने वाला, ठीक ठाक है, इतना खराब नहीं है। और मौसम सबसे अच्छा है कि मौसम यहाँ पर, भूख भी बहुत लगेगा खाने खाने अगर थोड़ा सा मेहनत करें यहाँ तो पेट भर के खाना खा सकते हैं, गर्मी में खाना खाया नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर इतना अच्छा मौसम है, दिल खुश एकदम। मलयालम विलेज क्रॉस किया है। हाँ मलयालम विलेज, ये इधर मलयालम विलेज है क्या ये? ये अच्छा, ये साउथ इंडियन लोग रहता है यहाँ। हाँ अच्छा, हम अभी जाके ना दूरबीन से बांग्लादेश बॉर्डर देखेंगे, 10 रुपया 10 रुपया देखे। अच्छा हम लोग तो फ्री में देखेंगे, हम लोग परमिशन है। अच्छा हम लोग कोई ज्यादा पैसा नहीं। ये इस जगह में कुछ भी नहीं खाना है, बीफ बिक्री होता है। हाँ पता है पता है। इतना अच्छा मौसम है देखो, गाड़ी दिल खुश हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। ये मलयालम गेस्ट हाउस। अच्छा ये मलयालम गेस्ट हाउस, यहाँ पर साउथ इंडियन लोग भी रहते हैं, साउथ इंडियन लोग का भी यहाँ पर क्या बोलता है, यहाँ गांव है और इनके टाइप का ही घर बना हुआ है यहाँ पर। मैं एक दो घर मेरा वीडियो में आ गया है, लेकिन मलयालम बोलने से ये तमिलनाडु और क्या बोलता है इसको, केरल साइड का, तमिलनाडु केरल साइड का, उस साइड का जो आदमी लोग है यहाँ पर आके बस चुका है और ये लोग यहाँ रहते हैं। इनका एक बस्ती है, गाँव है, और यहाँ पर एक्चुअल खासिया लोग ही सबसे ज़्यादा है, क्वांटिटी में खासिया लोग ज़्यादा है, रहता तो नेपाली भी बहुत है, और नेपाली लोग यहाँ पर, इनको परमानेंट ज़मीन यहाँ मिलता नहीं, यहाँ पर परमानेंट ज़मीन के नाम पे यहाँ खासिया लोगों को ही है और किसी को है नहीं। श्रीलंका जो PRC है परमानेंट रेजिडेंट वाला, वो खासिया लोगों को ही है, और ये बाकी लोग ऐसे ही ज़मीन किराए में लीज में लेके कुछ सालों के लिए रह जाते हैं, परमानेंट रहते नहीं ये लोग, परमानेंट ही रह जाते हैं, लेकिन ये लोग जमीन का झूम खेती ज़्यादा करते हैं। हाँ जमीन का जो जो एग्रीमेंट है वो बढ़ाते रहते हैं, और यहाँ पर ये जो पहाड़ी के ऊपर है यहाँ पर ज़्यादा झूम खेती वगैरह करते हैं। और यहाँ रास्ता ठीक ही लग रहा है मेरे को अभी तक, तो रास्ता ये रोड ठीक है, इतना तो चलेगा, चेरापूंजी जा रहा है, इतना अच्छा रोड है, और आगे जाके थोड़ा खराब रोड बोल रहा है, देखते हैं आगे जाके जहाँ मिलेगा देखते क्या होता है। लेकिन मौसम ये गाड़ी के शीशे में ही काफ़ी बारिश के बूंदा बूंदी हो रखा है, ये काफ़ी
मस्त मस्त सीनरी आ रखा है, देखने लायक है, इतना अच्छा मौसम है।